के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ कोई सोचता था? मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाट हुई थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है। हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक ही मंत्र है और वह मंत्र है सेवा ही संगठन है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे याद है कोरोना कालखंड में केवल भाजपा का कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा कर रहा था, अन्य किसी भी दल के किसी भी नेता का कोई अता पता नहीं था। कार्यकर्ताओं की बात तो दूर, आपने देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए, उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह के बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को कहां समाप्त कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। भारत ने सबसे अच्छा परिणाम देकर के दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन की एक नई अनूठी छाप छोड़ी। बीमारियों से होने वाली मौत, मुझे याद है 2014 में जब आदरणीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे, इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के एक सांसद के रूप में मैं उनके पास गया था और उन्होंने कहा कि हम इसमें सहयोग करेंगे। नड्डा जी और मोदी जी के सहयोग से गोरखपुर में एम्स भी बना, आज गोरखपुर का एम्स चालू हो गया, काम कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, नेपाल की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रही है और 40 वर्ष से जो बीमारी थी, इस बीमारी से होने वाली मौत 90 से 95% मौतें अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदायों की थी। आज उस मौत को हम लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरह नियंत्रित किया है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर एक कल्पना थी, आज आप जाते होंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलती होगी। आज आप कहीं भी जाइए, प्रयागराज जाइए, काशी जाइए, लखनऊ आइए, अयोध्या जाइए, गोरखपुर जाइए, पश्चिम के किसी भी जनपद में जाइए, इंटर स्टेट बॉर्डर पर जाइए, आपको लगेगा आज कोई नहीं कह सकता है उसको उत्तर प्रदेश का वासी कहने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अन्य जगह से अच्छा आपको प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं बुंदेलखंड गया था पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेरे साथ आज के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे। हम लोग चित्रकूट में गए, मैंने चित्रकूट में वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किए, रात्रि को मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों के साथ बैठक की थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कभी यहां चित्रकूट में अच्छे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छी धर्मशालाएं क्यों नहीं बन रही हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा अगर कोई निवेश करेगा तो डकैत उसका अपहरण कर देंगे। तो मैंने कहा मैं अगली बार तब आऊंगा जब यहां से डकैतों से मुक्त कर दूंगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज न केवल बुंदेलखंड चित्रकूट बल्कि पूरा बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त हो चुका है, माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त। आज आप कहीं भी जाते होंगे, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या बिंदुवासिनी धाम, क्या सुखतीर्थ, क्या नेमिसारण्य, क्या ये आपकी वैचारिक यात्रा और आपकी आध्यात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहां पे नहीं मिला? आजाद हुए देश 1947 में हो गया था, ये काम 1947 में होना चाहिए था, ये कार्य उसके बाद होना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लौहलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? मुझे आश्चर्य होता है, राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था? क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? यह आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, सबका साथ और सबका विकास। लोक कल्याणकारी योजनाओं की किसी भी योजना में आप देख सकते हैं, क्या राशन की योजना, क्या मकान की योजना, क्या हर घर शौचालय की योजना, चाहे हर घर नल की योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड, या किसी भी अन्य योजना में उज्ज्वला योजना की हो, योजना हो, कोई भी योजना हो, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? जाति, मत, मजहब के आधार पर, चेहरा देख करके किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं? सारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर तबके को दी गई। और हमें आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया। और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मंत्री श्री असीम अरुण ने मेरे सामने इस बात को रखा, हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया।
लखनऊ का भाषा विश्वविद्यालय, क्या ये माननीय कांसी राम जी के नाम पे नहीं था? क्यों चेंज कर दिया गया? ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के बाहक उन महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे, ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए, हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने, नई संसद बनने पर नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, यह जानते हुए दुनिया की ताकतें जानती हैं यह समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगे। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। और वहीं से मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं, लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए, क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या यह नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि यह षड्यंत्र हुए ना हुए, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2019 में एक बड़े गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ था और तब आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तब प्रदेश के प्रभारी के रूप में इस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। याद करिए तब हम लोगों ने 43% वोट के प्रतिशत को बढ़ा करके 51% करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े गठबंधन को धराशायी करने का काम किया था, इसी प्रदेश में किया था। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना बड़ा उपयोग हो सकता है यह भी हमें देखना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हमें वास्तविक धरातल पर उतारना होगा और उसके लिए अगर हम प्राण से जुट करके एक बार फिर से कार्य करना शुरू करेंगे, कोई कारण नहीं। हमने नगर निकाय चुनाव में सभी 17 की 17 मेयर की सीट हम लोगों ने जीती थी, 17 की 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जीत करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 नगर निगम की सीट जीती थी, सर्वाधिक नगर निकायों की सीट जीती थी, सर्वाधिक यानी 17 की 17
नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का फुल मेजोरिटी का बोर्ड बना और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जीते। हमारे महापौरगण यहां पर प्रदेश के नगर निगमों से भी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम उस जीत के सिलसिले को, जिस जीत ने विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था, कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 10 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए, आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खनोच आता है तो वहां उसकी असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा, यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित सांसद गण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी आए हैं जो केंद्र में उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्री बने हैं। मैं इन सभी केंद्रीय मंत्रियों को, माननीय सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनके एक अच्छे कार्यकाल के लिए, उज्जवल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और आप सबकी ओर से, प्रदेश भर से आए हुए हमारे संगठन के इन शिल्पियों और स्तंभों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।